जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। मैं जानती हूं आज आपके सामने आपकी नजरों में एक छोटी लड़की खड़ी है, पर बाबू मैंने इस झूठ को हमेशा आपको बता देने की कोशिश की। कुलदेवी की पूजा से लौटते ही मैं आपको सब सच बता देने वाली थी, पर तभी घर में वो चोरी वाला हादसा हुआ और आपने जिस तरह मीनाक्षी के माँ बाप को बुलाकर उनके साथ जो किया उससे मैं बहुत डर गई थी बाबू। बाबू मैंने अपने माँ बाप को अभी खोया था, मुझे लगा उन्हें अपमानित किया जाएगा। बाबू मैंने अपने भैया भाभी को हाथ बांधे आपके सामने खड़े देखा, लगा कि मेरी निर्दोष भाभी को शर्मिंदा होना होगा और तब मैं कमजोर पड़ गई बाबू, हिम्मत हार गई। मैं जानती हूँ बाबू कि मुझ पर झूठी होने का थप्पा लग गया है, इसलिए मेरी कही हर बात आपको झूठी ही लगेगी। पर बाबू उस दिन से लेकर अब तक मैं बहुत डर में जी हूं, हर पल खुटी हूं। पापा ने मुझे कभी झूठ बोलना सीखने ही नहीं दिया, इसलिए झूठ के साथ जीना मुझे आता ही नहीं है। मैं मानती हूं कि शुरू में मैं आप सब में से किसी के साथ नहीं जुड़ पाई थी, पर बाबू अब मैं इस घर से जुड़ी हूं और इन दिनों तो मैं हर पल आपसे सच कहना चाहती थी पर नहीं कह पाई। शायद सच को मुझे सजा देने के लिए इसी तरह सामने आना था। आप मुझे जो सजा देना चाहे मुझे स्वीकार होगा, बाबू मैं इतना ही कहूंगी कि मैंने झूठ बोला नहीं, बस सच को छुपाया जरूर है आपसे। पेनड़ी तू ठहरी 14वीं पास, वो भी पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पर। रे शब्दों को घुमाने फिराने पर उतर आएगी, तुम्हारी जैसी अनपढ़ कंवार का की मुकाबला थारे आगे मन न पता, मन न पता कि झूठ बोलने में और सच छुपाने में के फर्क है। ना मने तो सिर्फ इतना पता है कि तूने इस घर को धोखा दिया है और इसकी सजा तने मिलेगी, पर उससे पहले उन लोगों को ये बात बताना जरूरी है जो तारे इस झूठ के जन्म दाता है। मोहित चल फोन लगा मेरे का। वो उठे नहीं तो के मतलब यो को नहीं
के अपने झूठ सच का हिसाब नहीं करना पड़ेगा। चल। अरे छवि, वो डायरी कहाँ है? डायरी वहीं पर रखी है भैया। मोहित बोल रहा हूँ। अरे मोहित, कैसे हो? और भाबो साहब और बाबा साहब कैसे हैं? सब ठीक है ना? स्पीकर पे रखो ना। आपकी बहन के बारे में बताने के लिए फोन किया है समधी सा। दुखियारी के आंसू नहीं दब रहे। क्या हुआ भाबो साहब? अबे ठीक है ना उसकी? प्रॉब्लम तो नहीं है। यही है हमारे सामने। हाथ जोड़े, निजरे धरती पर गड़ाए माफी मांग रही है हमारे से। धोखे में है शायद आपकी बहन। इस घर में ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है। देने के लिए हम हाथ खोलते हैं तो कमी नहीं रखते। पर माफी? माफी के लिए हाथ बहुत तंग है। माफी नहीं मिलती किसी को इस घर में। जो हुआ है उसके लिए अगर देवी देवता की पगड़ी मांग लेती तो उतार कर लिया देते हैं, पर माफी तो नहीं मिलने वाली। बाबू साहब, ऐसी भी क्या गलती हो गई संध्या से? गलती? गलती बहुत छोटा शब्द है समधी सा। बात हल्की हो जाएगी। रिश्तों में विश्वास तोड़ने को गलती नहीं, अपराध कहते हैं। सासू से झूठ बोलना गलती नहीं कहते। अपने पति को धोखा देना गलती नहीं कहते। ऐसा अपराध है जिसे मरे ही माफी ना मिलेगी। बाबू, मैं नहीं जानती कि वहां पे क्या हुआ है, पर संध्या कभी झूठ नहीं बोलती। कुछ गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, आप भी उसकी सच्चाई के प्रमाण पत्र बांट रही? चोर ने साधु के वे तो कुण मांगे? झूठ रे झूठ सिर्फ इसने ही नहीं बोला है, आप लोगों ने भी बोला है हमारे साथ। पूरे परिवार ने खेल खेला है हमारे साथ। चालबाजी दौड़ रही है खून में सबके। झूठ झूठ बोलकर अपना बोझ आंगन में फेंक कर गए आप लोग। गिनवाओ झूठ आपके। झूठ ये कि आपकी बहन घर को काम पानी की तरह पीती है। चपके? चपके उसने अपने घर में एक पानी का लोटा तक ना उठाकर रखा होगा। झूठ ये है कि आपकी बहन सातवीं पास है। पर आपकी बहन की होशियारी के चर्चे तो पूरे पुष्कर में पट रहे हैं। झूठ ये कि आपकी सातवीं पास बहन पूरे राजस्थान में कॉलेज की पढ़ाई में तीसरे नंबर पर आई है। अखबार में फोटो छपी है उसकी समझी साहब। गलत बात के लिए, पढ़ाई के लिए ना छपनी चाहिए। सबसे पहले हम अनपढ़ जाहिलों के सिर पर अपनी चालाकी की जूती मारने के लिए फोटो छपनी चाहिए थी। कलेक्टर है? मिठाई जावे, कहूंगे उनसे कि उसकी छाती पर तमगा लटकावे। खेल कैसे खेले हैं लोगों के साथ सीखे इससे। झूठ झूठ की जगह रहा समधन सा। आपकी ननद पढ़ाई के नशे में इसने हमारे आंगन में ऐसा नाच नाचा कि जेल के दर्शन तक करा दिए मैंने। बात कहवे है ना कि एक अच्छी बीलनी 16 आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तिलक लगावे। एक कुलक्षणी बेटी आ जावे
तो आने वाली 16 पीढ़ियों के भविष्य को दाग लगा जाए। वही किया, वही किया आपकी बहन ने। पुरखों की आत्मा स्वर्ग में रोती होगी कि जितना कमाया सब गवा दिया। बाबू, आपको जेल, संध्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जरूर आपको कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमियां तो मिट मिटा के भस्म हो गई संदेशा। अपनी बहन की ज्यादा तरफदारी करने की कोशिश मत करो। वो क्या है? और आप सब लोग क्या हो? सब सामने आ गए हमारे। एक ही मिट्टी में उनके धतूरे हैं। एक ही जहर भरा होगा ना तुम दोनों में। बाबू मेरी बात तो सुनिए। बाबू संध्या की इसमें कोई गलती नहीं। ना ना संदेशा, अरे आप तो पढ़े लिखे लोग, बातों के ऐसे लच्छे फेंकने वाले। हम तो अनपढ़ गवार। क्या तो सुने और क्या तो समझ ले ना। हम तो मंत्र मुग्ध होकर ताली बजा ले, जैसे पिछली बार धोखे में अकेली बजा ली। ना समझी सा ना। और देख लिया वो दिन। अब बारी हमारी है कहने की और आपकी सुनने की। समझी सा, आज आखिरी बार समझी सा कह रही हूं मैं आपको। आज के बाद ये रिश्ता खत्म। समझी सा, हमारे घर के कोने कोने में भगवान बसते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ झूठ के पाप नहीं होते। अगर ये झूठी इस घर में रही तो हमारे ठाकुर जी इस घर से विदा हो जाएं। इसलिए आपकी इस बहन को घर से विदा होना पड़ेगा। अगला जहाज जो भी हिंदुस्तान आता है उसमें बैठकर आइए और अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाइए। भावो सा, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए उसको। उसने तो कुछ किया ही नहीं है। बल्कि भावो सा, वो तो इस सब में शामिल भी नहीं थी। आपको सजा ही देनी है ना, आप मुझे दीजिए ना। क्योंकि झूठ तो मैंने कहा था आप सबसे। संध्या ने तो करा ही नहीं, ना उसे इस चीज का पता था। आप मुझे सजा दीजिए, जो कहना है मेरे साथ। अंकुर सा, पहली बात, मैं कौन सा वहां आकर आपको सजा दे पाऊं। दूसरी बात, आप पर भरोसा कर अपना बेटा दिया था, रिश्ता जोड़ा था आपसे, उस भरोसे की ऐसी धज्जियां उड़ाई आपने कि मारी इज्जत, मारा नाम जानने वाले मारे मुंह पर चटकारा ले रहे। बाबू सर, मैं मानता हूं कि हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहन को माफ कर दी। आपको जो भी सजा देनी ना, आप पूछे दीजिए। आपको शुरू में ही कह दिया था अंकुर सा कि इस घर में मांगने वाले को प्राण निकाल कर दिए जा सकते हैं, पर ऐसे अपराध के बदले माफी नहीं दी जा सकती। भावसा, एक बार मेरी बात सूरज जी से करवा दीजिए। एक बार भावसा। सूरज से क्यों? हाँ, रिश्तों का मतलब आपके यहाँ समझाना चाहता होगा। लेकिन हमारे यहाँ आज भी रिश्तों में सच्चाई बाकी है। जे आप इस धोखे में हो कि अपनी बातों के लपेटे में हमारे बेटे को लेकर हमारे बेटे ने अपनी माँ के खिलाफ खड़ा करवा दोगे, तो ऐसे धोखे में मत रहना। आपको समझाने के लिए
के रिश्ता के होवे है, मैं आपकी अपने बेटे के साथ बात करवाती हूं। ले सूरज, बात करें से। जी सूरज जी, सूरज जी, मैं मानता हूं कि जो हुआ वो गलत था। सूरज जी, इतने समय से संध्या आपकी आंखों के सामने, आपने उसे कुछ तो समझा होगा, कुछ कुछ जाना होगा उसे। सूरज जी, वो किसी से कभी झूठ नहीं कह सकती, कभी नहीं। यहां तक कि इस घर से विदा होने के टाइम उसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं अपने स्वार्थ में आकर आप सबसे झूठ कह रहा था। आप सबसे ही क्या, उससे भी। सूरज जी, उसे तो ये भी नहीं पता था कि आप पढ़े लिखे नहीं। मैं तो कहा था कि आप पढ़े लिखे हैं। उसे कहा गया था कि आप एक अच्छी सरकारी नौकरी करते हैं। उसे तो ये भी नहीं पता था सूरज जी कि आप क्या आप नौवीं पास है। सूरज जी, कुलदेवी के मंदिर से आने के बाद उसे आपके सच और मेरे झूठ का पता चला। सूरज जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मेरी बहन निर्दोष है सूरज जी, उसे मेरी गलती की सजा मत मिलने दो। सूरज जी, संध्या की सिर्फ यही गलती है कि उसने उसने अपने भैया और भाभी की इज्जत रखने के लिए ये झूठ निभाया। उस पर भी घूट रही थी वो जिसने कभी किसी से झूठ नहीं कहा, कोई गलती नहीं की। वो बेचारी हमारे बाबू का बोझ कैसे उठा रही थी, मैं जानती। वो सही समय पे खुद आके आपको सब कुछ बताने वाली थी। उसकी कोई गलती नहीं है सूरज, उसकी कोई गलती नहीं है। चुप क्यों खड़ा है सूरज? जवाब दे रे, कह उनसे कि हम ये धोखा बर्दाश्त करने वाले नहीं है। कह उनसे कि आए और अपनी सच की मूरत बहन को यहां से ले जाए। मेरा बेटा चुप है, इसका ये मतलब मत लगाना कि उसे आपकी बहन से कोई लगाव है। भोला है ये, इसने कभी किसी को धोखा ना दिया, इसलिए धोखे की मार सह नहीं पा रहा। इसका वो दिल है जो कभी किसी का दिल ना दुखाता है। चोर को भी चोर कहकर उसका अपमान ना करने वाला मारा सूरज, उसके साथ आप लोगों ने क्या किया? बात साफ है, आप अभी के अभी जहाज पकड़िए, आकर अपनी बहन को यहां से लेकर। बाबू साहब, क्या कर दिया तुमने अंकुर? ये क्या कर दिया संध्या के साथ? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने किए की सजा अपनी बहन को दे दी। अंकुर, क्या बीत रही होगी उस पे?
में से सह रही होगी ये सब कुछ हो। अभी के अभी उसे यहाँ लेके आओ, जाओ प्लीज जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।